गुजरात में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी सत्ता बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और 29 नवंबर को गुजरात में होंगे। प्रधानमंत्री एक दिन में 4-4 रैलियां करेंगे। रैलियां इस तरह से तय की गई है कि एक दिन में 24 सीटों पर मोदी इफेक्ट पड़े। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की एक रैली से 6 सीटों को प्रभावित किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की आज और 29 नवंबर की रैलियां सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में होगी। इसके अलावा 21 बड़े नेताओं को पहले चरण में सभी शहरों के रैलियों के लिए चुना गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने जा रहे हैं। आरक्षण पर कांग्रेस और हार्दिक ने हाथ मिलाया है तो बीजेपी ने गुजरात के सियासी दंगल में पूरी ताकत झोंकने का प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज और 29 नवंबर को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री कच्छ के भुज में रैली करेंगे। इसके बाद वह राजकोट के जसदन में, बाद में अमरेली के धारी और सूरत के कामरेज में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं 29 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी और सोमनाथ के पास प्राची गांव में भी रैली करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री भावनगर और दक्षिण गुजरात के नवसारी में भी रैली को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।